अल्लाह की बारगाह में है और हमारा मुस्तहकम अकीदा है कि हम जो कुछ भी करते हैं अल्लाह और उसके फरिश्ते देखते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि कोई लीडर नहीं देंगे, न सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। और नामे सरकार पे हाथों को उठाते थे ये रोजे महशर के फरिश्ते भी गवाही देंगे। अगर आपका एतमाद और अकीदा है तो अपने हाथों को फैलाओ में लहराए नारे का द्वार दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरमाए अहले सुन्नत, फरमाए अहले सुन्नत, हुजूर साहिब सज्जादा, हुजूर साहिब सज्जादा, फैजाने मखदूम सन्ना, फैजाने मखदूम सन्ना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जबर क्या है जेर बोलेगा, एक अशरफी दिलेर बोलेगा और पता अंदो खैरियत नहीं है, अब तेरी मखदूम सन्ना का शेर बोलेगा। तो मेरे रसूल फरमाते हैं, मेरे रसूल फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबा सुन लो, आखिर इसकी वो है कि एक शख्स दुनिया में जो नमाज ही पढ़ता था, जो हज भी किया था, जो सकात भी अदा किया है, जिसने खैरात भी की है, जिसने हज भी किया है, जिसने सकात भी दी है, लेकिन जब मैदान मशर में लाया जाता है, जब उसके नामे आमाल जब तौले जाते हैं, नामे आमाल तौलने के बाद जब उसके मीजान, जब उसके बारे में भी जन्नत के लिए फैसला होने ही वाला होता है कि एक शख्स आता आतिदा ध्यान दे उसे मार नहीं सकता, ले इसने जो नमाजें अदा की है, नमाज सीने की मैं तुझे देता हूँ। इसी तरह से लेके बाजी गए लोग आते रहेंगे और उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी, लास्ट में एक बंदा और आएगा, अब वो कहेगा ए अल्लाह इसने मुझ पे जुल्म सितम किया था, मुझे मेरा बदला चाहिए। अल्लाह फरमाएगा इसके पास कुछ नेकी बची ही नहीं है। अब सुन इसका हल ये है कि जो तुमने दुनिया में गुनाह किया है, तुम्हारा गुनाह इससे सर पे डाल कर तेरे गुनाहों का बोझ हल्का कर दूं, अल्लाह ताला उसका गुनाह उठा के उस बंदे के सर पे डाल देगा, उसका गुनाह बढ़ जाता है, इसका गुनाह कम हो जाता है। तो ये है रब की बारगाह, रब की बारगाह में एक एक जर्रे का हिसाब होगा। आप लोग ईमानदारी के साथ रहिए, अपनी जुबान से किसी को तकलीफ मत दीजिए, अपने अखलाक और किरदार से किसी को तकलीफ मत दीजिए। मेरे सुल्तान सैयद अशरफ जहाँ की सुनाने की तारीख हम रहे तो मेरे सरकार ने कभी भी किसी को तकलीफ नहीं दी है, अपनी जुबान से गालियां नहीं दी है, अपनी जुबान से तकलीफ नहीं दी है। इसलिए अपनी जुबान मठार पैदा करें और अपने अखलाक को उमदा और बेहतरीन बनाए, यही है सरकार सुल्तान सैयद अशरफ जहाँ की सुनानी सरकार का मिशन। और एक आखिरी बात, हुजूर साहिब सज्जादा नशिस्तगाह शरीफ में तशरीफ रखे हैं, आप लोग अगर मुरीद नहीं है तो हुजूर साहिब सज्जादा के दस्ते आपका मुरीद हो जाए, ऐसी बारगाह नहीं मिलेगी आपको, ऐसी बारगाह नहीं मिलेगी। हमारे सरकार की शान यह है कि अगर आप इस चौखट के मुरीद हैं और अगर आप अपने हाथ को हजरत सरकार सैयद मोहिउद्दीन अशरफ के हाथ में देकर अगर आप बैत करते हैं, हजरत सैयद मोहिउद्दीन अशरफ के हाथ में है, तो समझ लो मुखलिस सुन्नत के हाथ में। वाह वाह, आप इनका मुरीद बनेंगे तो समझ लो सरकार मुखलिस अशरफ के मुरीद बन रहे हैं। और हमारे सरकार मुखलिस अशरफ अपने मुरीदों का ख्याल किस तरह से करते जानते हैं, हज की मस्जिद में सरकार मुखलिस अशरफ वजू फरमा रहे थे और वजू करते करते मुखलिस सुन्नत सरकार को जलाल आ गया, सरकार मुखलिस अशरफ को जलाल आ गया, आपने वजू करना बंद कर दिया, अपना आसन मुबारक मस्जिद की दीवार पे मारते हैं। जब सरकार मुखलिस का जलाल हुआ, लोगों ने पूछा तो मुखलिस सुन्नत सरकार फरमाते हैं कि जिस वक्त मैं वजू कर रहा था उस वक्त मस्जिद के मैदान में एक